Very good morning to the students of class 12th in the class of business studies. This is our lecture number 32. In our last lecture we have completed the elements of directing, that is supervision, and also we have started with motivation. Today we are going to finish this motivation element of directing. So in today's lecture we are going to discuss the process, importance and theory of motivation. So let me get started with the process of motivation. See, the process of motivation, how it goes is, if human needs are unsatisfied, then it creates tension which stimulates his or her drives. See, if in an organization the employee's needs are unsatisfied, then this will create tension in employee's mind, and this tension will give them drives. Drives ka matlab unko kaam dhoondne ke liye, परफॉर्म करने के लिए उन्हें फोर्स करेंगे, और यही जो उनकी ड्राइव्स है वो क्या करेंगे, उनके सर्च बिहेवियर में चेंज करेंगे. सर्च बिहेवियर का मतलब उनके बिहेवियर के अंदर चेंज लाने की कोशिश आएगी, और जैसे ही वो अपने बिहेवियर में चेंज करेंगे तो उनकी नीड्स क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी. यानी कि जैसे पहले कोई इंडिविजुअल है जो ठीक से परफॉर्म नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि उसकी नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो वो क्या करेगा, टेंशन में आ जाएगा. जैसे ही वो टेंशन में आया तो वो क्या होगा, उससे उसकी ड्राइव स्टिमुलेट होती है. ड्राइव्स का मतलब उसकी अपनी नीड्स जो उसे सर्च करने के लिए, जो दूसरे बिहेवियर चेंज के अंदर उसको एनकरेज करती है, और वो जो बिहेवियर चेंज है ना वो क्या करेगा, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने में उसे हेल्प करेगा. यानी कि उसका बिहेवियर चेंज होते ही वो क्या करेगा, अच्छे से काम को परफॉर्म करेगा, और जब वो काम को अच्छे से परफॉर्म करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, डेफिनेटली उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करेगी. और इसी तरीके से जैसे उसकी नीड सेटिस्फाई हुई तो हम क्या कर देंगे, उसकी टेंशन भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो टेंशन हुई थी वो किस वजह से हुई थी, उसकी अनसेटिस्फाइड नीड्स की वजह से. लेकिन जैसे ही नीड सेटिस्फाई हुई तो उसकी टेंशन भी रिड्यूस हो गई. क्लियर. बात करते हैं मोटिवेशन के इंपॉर्टेंस की. तो सबसे पहली चीज़ मोटिवेशन के इंपॉर्टेंस में क्या है, दैट इज़ मोटिवेशन इंप्रूव्स परफॉर्मेंस. मोटिवेशन की वजह से किसी भी एम्प्लॉय का क्या होगा, गोल्स, जो गुड्स के लिए जो काम कर रहा है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस भी लेवल के ऊपर वो काम कर रहा है, वो सारे उसके क्या हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे, उसकी परफॉर्मेंसेज इंप्रूव हो जाएंगी. देखिए ना, यहाँ पर देखा, नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, टेंशन हुई, टेंशन होते ही उसने काम करना शुरू किया, काम करते ही उसका बिहेवियर चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज होते उसकी नीड्स अपने आप सेटिस्फाई होने लगी, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है. किसकी वजह से, मोटिवेशन की वजह से. या तो हम उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे या उनको नेगेटिवली मोटिवेट करेंगे, जैसा मैंने पिछली बार बताया. यानी या तो प्रमोशन देंगे या डिमोशन देंगे. अगर कोई एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको या तो प्रमोशन एनकरेज करेंगे कि आप इसको काम को ठीक से करिए, या कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन देंगे तो वो और अच्छा काम करेगा, और अगर कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसको डिमोशन देंगे तो उससे क्या हो गया, उसके लिए वो पनिशमेंट का काम करेगा, और पनिशमेंट की वजह से वो नेक्स्ट थ्रेटनिंग या नेक्स्ट पनिशमेंट से बचने के लिए क्या करेगा, काम को अच्छे से परफॉर्म करेगा, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई. मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव एटीट्यूड. यानी कि एम्प्लॉयज़ का जो भी नेगेटिव एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स वर्क, वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, वो लेज़ी होते हैं, उस थोड़े लेबोरियस टाइप होते हैं, जो कि काम को करके ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, हम उनको एनकरेज कर सकते हैं कि आप इस काम को करिए, ताकि आप क्या करो, आप एक अच्छे एनवायरनमेंट को क्रिएट करो. अच्छे एनवायरनमेंट के साथ साथ आप क्या करोगे, अपने नेगेटिव एनवायरनमेंट को पीछे छोड़ के, जो आप लेज़ीनेस थी उसको पीछे छोड़ के, आप कुछ पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तरफ आओगे, अब आप भी काम करने में इंटरेस्ट दिखाओगे. नेक्स्ट इज मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर. एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर भी इंप्रूव करने की कोशिश आती है इसमें, एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर भी इसमें बढ़ जाता है. मोटिवेशन क्या हेल्प करेगा, उनके टर्नओवर को बढ़ाने में उनकी हेल्प करेगा. नेक्स्ट इज मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटीज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि मोटिवेशन की वजह से एम्प्लॉयज़ जो कि एब्सेंट हो रहे थे, जो कि काम से जी चुरा रहे थे, वो भी अब क्या करेंगे, काम में हेल्प करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के काम को, ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में उनको हेल्प करेंगे. क्यों, क्योंकि उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ा है, तो वो भी क्या करेंगे, काम की परफॉर्मेंस अपनी बढ़ाएंगे. क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको भी प्रमोशन चाहिए, उनको भी सैलरी इंक्रीमेंट्स चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट इज मोटिवेशन फैसिलिटेट्स चेंज. क्यों, क्योंकि मैनेजर्स क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अलग अलग तरीके से स्मूथली अपने रेसिस्टेंट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर थोड़ा रेसिस्टेंस रखते हैं कि आप इस काम को नहीं कर सकते, आप इस काम को कर सकते हो. तो इस तरीके से जो रेसिस्टेंस है उसकी वजह से उसमें चेंज भी आता है. कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो रेसिस्ट करते हैं कि मैं इस चेंज को नहीं लाना चाहता हूँ, या मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ. उस केस में क्या होगा कि उन एम्प्लॉयज़ को हम उस चेंज के लिए रेडी करते हैं कि आपको इस चेंज को अडॉप्ट कर लेना चाहिए. जो भी इंपॉर्टेंसेस के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए स्टूडेंट्स मोटिवेशन में, वो सारे के सारे वही हैं जो आपके फीचर्स में मैंने आपको अच्छे से बताए थे.
हम टॉपिक पढ़ रहे हो मोटिवेशन का और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी दैट इज़ मास्लोज नीड हिराशे थ्योरी, अगर वो ना आए तो ये टॉपिक इनकम्प्लीट है स्टूडेंट्स। एक ही फंडामेंटल थ्योरी है जो कि अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि मोटिवेशन किसी भी इंडिविजुअल के लिए किस तरीके से काम करता है, मोटिवेशन किसी एम्प्लॉय के लिए किस लेवल पे काम करता है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मास्ले ने एक थ्योरी दी है जिसे हम मास्लेज नीड हिराशे थ्योरी भी बोलते हैं, हिराशे थ्योरी भी बोलते हैं। आइए इसको देखते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। देखिए ह्यूमंस की अलग अलग नीड्स होती है, अलग ह्यूज वेराइटी ऑफ नीड्स होती है, लेकिन उनमें से कुछ होती है जैसे साइकोलॉजिकल नीड, सोशल नीड, सेफ्टी नीड, स्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये कुछ नीड्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर मास्ले ने अपनी एक थ्योरी दी है, उसे हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें कहा क्या है, इसमें कहता है कि मैनेजर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो भी नीड्स और वॉन्ट्स हैं पीपल की, एम्प्लॉयज़ की, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वो काम कर रहे हैं उसके बारे में, उनकी परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, एम्प्लॉयज़ की नीड्स और वॉन्ट्स सेटिस्फाइड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उस बात के ऊपर मैनेजर्स को ध्यान देना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ की नीड्स सेटिस्फाई हुई तो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स भी क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। यानी कि फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ नीड्स क्या करते हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स देते हैं, और ये इंसेंटिव्स कैसे होते हैं, मॉनेटरी भी हो सकते हैं और नॉन मॉनेटरी भी। मॉनेटरी का मतलब होता है पैसे के बेसिस के ऊपर, प्राइस पेड के ऊपर, और नॉन मॉनेटरी का मतलब होता है अनपेड प्राइसेस, यानी कि किसी और तरीके का रिकॉग्निशन प्रोग्राम हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, किसी एम्प्लॉय को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या किसी एम्प्लॉय को एक स्टैंडिंग ओवेशन मिले कि आप सब लोगों के बीच में इस आदमी ने कुछ ऐसा काम किया है जिसके काम को, जो किसी ने अच्छा काम किया है उसको रिकॉग्निशन मिले, वो सारे नॉन मॉनेटरी होते हैं। इसको हम बाद में भी इलेबोरेट करके इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेंटिव्स क्या होता है। फिलहाल ये समझते हैं कि जो मास्ले की थ्योरी है नीड हिराशे थ्योरी, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, इसके पांच एस्पेक्ट्स जो मैंने आपको ऊपर बताए अलग अलग नीड से बेस करके, वो पांच एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या कहते हैं, देखिए साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं मेंटल नीड्स जो किसी भी इंडिविजुअल की बेसिक नीड्स होती है, जैसे फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें, ये सब हर इंसान के लिए ज़रूरी होती है। ये लेकिन नीड्स कब पूरी हो जाती है, नीड्स तब पूरी हो जाती है जब कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कंपनी अपने तरफ से क्या देगी, बेसिक सैलरी देगी, यानी कि जो मिनिमम सैलरी, जो गवर्नमेंट के वेजेस रेट्स जो डिसाइडेड है, अगर वो वेज रेट के अकॉर्डिंग हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे तो हमारी एम्प्लॉयज की जो बेसिक नीड्स है ना, जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड तब पूरी हो जाती है, जैसे क्या होता है, हर इंसान को चाहिए कि इमोशनली वो बैलेंस हो करके काम करे, उसके इमोशंस हार्म ना हो, उसने ऑर्गेनाइजेशन में ये समझा था कि ऑर्गेनाइजेशन उसकी प्रॉब्लम को समझेगी लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उसकी प्रॉब्लम समझी नहीं। सिक्योरिटी में क्या चाहिए, उसे जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ मेरी जॉब आने वाले समय में 10, 5, 15 साल में जब तक मैं चाहूँ उस कंपनी के साथ काम करूं मेरी जॉब नहीं जाएगी। फिजिकल नीड्स क्या होती है, फिजिकल नीड्स होती है कि भाई मुझे खाने को खाना चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए, हर चीज़ मुझे ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करे, एक हेल्दी क्लाइमेट प्रोवाइड करे जहां पर मैं अच्छे से काम कर सकूं। तो ये सारी क्या होती है, आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स होती है, जैसे कि जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, आने वाले 5 साल तक मुझे सोचना ना पड़े कि मुझे जॉब स्विच करनी है। क्लियर। इसके बाद आता है आपका अफेक्शनल या बिलोंगिंगनेस नीड्स। देखिए बिलोंगिंगनेस क्या होती है, एक एम्प्लॉय अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम करने आता है लेकिन उसके पीछे उसकी फैमिली के 5 मेंबर्स जो है ना वो उस पर बिलोंग करते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो चाहता है कि उसके जो बिलोंगिंगनेस है वो भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके के कॉन्टैक्ट्स चाहेगा जो कि उसे एक्सेप्टेंस दिलाए, उस ऑर्गेनाइजेशन में अफेक्शन मिले, प्यार मिले, लव मिले, केयर मिले, फ्रेंडली नेचर मिले अपने वर्कर्स के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ, और इसी सब की वजह से वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि जो प्यार, जो अपनापन मुझे मेरी फैमिली से मिलता है वैसी एक सेकंड फैमिली मुझे मेरे वर्क एनवायरनमेंट में भी मिले, ताकि मैं काम करने के साथ साथ वर्कर्स क्या चाहते हैं कि उनको रिस्पेक्ट की ट्रीटमेंट भी मिले, उनको आपने काम के लिए ही सिर्फ यूज़ ना किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, एज अ ह्यूमंस, एज अ मैन पावर की तरह यूज ना करें, एज अ फ्रेंडली नेचर, एज अ कॉर्डियल रिलेशंस के साथ भी उनको डील किया जाए, यानी कि मैनेजर्स उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हों जो वर्कर्स के लिए उनकी इंपॉर्टेंसेस भी समझें। नेक्स्ट इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स क्या होती है, कि इंडिविजुअल जब इन सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर लेता है ना, जब उसकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है, उसकी सैलरी हो जाती है, जब उसकी जॉब सिक्योर हो जाती है, जब उसको ऑर्गेनाइजेशन से प्यार भी मिलने लगता है, तब अब आ करके उसकी आ जाती है प्राउड, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें उसके लिए बड़ी बात बन जाती है। सोचिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय आ गया,
10 साल से वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, 5 साल से वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अचानक से किसी एक नए कोई एम्प्लॉय आया है, उसने ऑर्गेनाइजेशन में उसे कुछ बोल दिया, तो उसे क्या हो जाएगा, उसकी रेस्पेक्ट इसकी वजह से हार्म हुई है, उसे बहुत ज़्यादा फील होगा कि यार मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, स्टिल मुझे बड़े बड़े मैनेजर्स जो हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये एक इंडिविजुअल जो बहुत जूनियर एज का है वो मुझे ऑर्डर्स दे रहा है, वो मेरी प्रेस्टीज को हार्म कर रहा है। तो कभी किसी एज के अंदर एम्प्लॉयज़ के साथ में आकर के ये सेल्फ़ इस्टीम की नीड्स भी एसोशिएट हो जाती है एक टाइम बीइंग, एक जब ऑर्गेनाइजेशन में आप 5-7 साल निकाल लेते हो उसके बाद आपकी इस्टीम नीड्स बिल्ड होनी शुरू हो जाती है, यानी यहाँ पर आकर के आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए होती है, सिर्फ प्यार काम नहीं करता है, सिर्फ इज्जत काम, सिर्फ प्यार अफेक्शन और लव या एक्सेप्टेंस ही काम नहीं करती है, आपको क्या चाहिए होगी, रिस्पेक्ट भी चाहिए होगी कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्ट भी मिले, मुझे मेरे काम के लिए जाना भी जाए, प्रेस्टीज भी मिले, ऑर्गेनाइजेशन मेरे काम को समझे, मेरे स्टेटस को समझे, मेरा टाइम टू टाइम प्रमोशन भी मिले, मुझे रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स भी मिले कि आपके ये सारे एम्प्लॉयज़ जो सीनियर हैं जो 15 साल से 20 साल से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मेरे काम को सराहना मिले, अटेंशन मिले, मेरे को जब कभी भी ज़रूरत हो मेरी ज़रूरतों को समझे ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी भी क्या हो जाती हैं उसकी एस्टीम नीड्स हो जाती हैं। द लास्ट पॉइंट इन द नीड हिराचे थ्योरी ऑफ मास्लो इज सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड। ये क्या नीड्स होती है, ये नीड्स होती हैं जो हायर लेवल नीड्स होती हैं, जो कि हिराचे को या यूं कहें इंडिविजुअल की ड्राइव्स को बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ा देती हैं। जैसे कि किसी इंडिविजुअल को सेल्फ इस्टीम नीड्स होती है, उसके बाद उसे खुद से खुद कुछ बहुत सारी चीज़ों को सीखने की आदत हो जाती है, या अपनी ही नीड्स को और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे, जैसे आपने समझा होगा कि ह्यूमंस की नीड्स को तो हम सेटिस्फाई कर सकते हैं लेकिन नीड्स और ग्रीड्स को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, यानी कि जैसे किसी की एक नीड पूरी हुई उसके बाद दूसरी नीड आ जाती है, दूसरी के बाद में तीसरी आ जाती है, थर्ड के बाद फोर्थ, इसी तरीके से उसकी नीड्स क्या होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। सो यही होती है सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, हाईएस्ट लेवल की नीड्स होती हैं ये, जिसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल किसी भी एक लेवल के ऊपर कैपेबल नहीं होता है। ये मैंने डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने मास्लो की जो 5 नीड्स हैं उनको लिखा है, और इंडिविजुअल की नीड्स को भी मैंने एग्जांपल में रखा है और ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को भी रखा है। पहले बात करते हैं बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स से। ओके, तो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स में मैंने लिखा कि ऑर्गेनाइजेशनल के एग्जाम्पल्स, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने अगर बेसिक सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को पे की तो उसकी वजह से उनकी जो हंगर है यानी जो भूख है वो शांत हो जाएगी, यानी कि ह्यूमंस की बेसिक साइकोलॉजिकल नीड क्या है कि वो भूखे हैं, वो उनके उनके क्लोथ शेल्टर और ये सारी बेसिक नीड्स हैं वो सारी किसकी वजह से पूरी हो जाएंगी, जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स में रखेगी बेसिक सैलरी उसकी वजह से वो सारी पूरी हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड का मतलब है कि ह्यूमंस के लिए स्टेबिलिटी, इनकम की स्टेबिलिटी हो, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए इंपॉर्टेंट इस नीड में आते हैं, सेफ्टी नीड में आता है। और सेफ्टी नीड को ऑर्गेनाइजेशन कैसे पूरा करती है, अपने पेंशन प्लान की हेल्प से, यानी कि उन एम्प्लॉयज़ को कहेगी कि आप जब तक काम कर रहे हो सिर्फ तब तक के लिए आपके पास सैलरी नहीं है, आप उसके बाद भी लाइफ में 60 इयर्स की एज के बाद जब आपको रिटायरमेंट मिल जाएगी उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी, तो वो आपकी लाइफ क्या होगी, स्टेबल्ड हो गई। नेक्स्ट इज अफेक्शन एंड बिलोंगिंगनेस नीड। देखिए इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, कॉर्डियल रिलेशन रखा है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, और एम्प्लॉयज़ भी क्या चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं अपने सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स और कोवर्कर्स के साथ में, तो ये नीड भी फुलफ़िल हो गई। नेक्स्ट आती है सेल्फ इस्टीम नीड। सेल्फ इस्टीम नीड क्या कहता है, वो कहता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में इतने टाइम से काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, अब एक स्टेटस चाहिए, एक सिंबल चाहिए, और उसके लिए वो क्या करते हैं, उसकी जॉब को एक टाइटल देते हैं, जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनाते हैं। आफ्टर दिस सेल्फ इस्टीम नीड द लास्ट पॉइंट दैट इज़ सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड। इसमें ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से हेल्प करेगी इंडिविजुअल की नीड्स को अचीव करने में, दैट इज़ अचीवमेंट ऑफ गोल्स, यानी कि इंडिविजुअल की ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएँ, तो इंडिविजुअल की भी जो फुलफिलमेंट है, जो